स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। कल तो भारतीय बाजारों के लिए बढ़िया दिन रहा, पर आज सुबह उतने अच्छे संकेत नहीं आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल ठीक है, कुछ ज्यादा खराब नहीं है पर कुछ ज्यादा अच्छा भी नहीं है। एक अच्छी बात जरूर है, कच्चे तेल में आपने भारी गिरावट देखी, और जैसा अनिल जी पिछले कुछ दिनों से आपको कह ही रहे हैं कि तेल पर ही रखिए नजर, क्योंकि हमारे बाजार वहीं से इस समय पॉजिटिव रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो कल की गिरावट का आज बाजार पर क्या इंपैक्ट आएगा ये देखना है, पर आज सुबह भी आप देख रहे हैं अब $100 के नीचे WTI है और ब्रेंट भी अब $103 पर आ गया है। तो और गिरावट आज सुबह हो रही है कल शाम की गिरावट के बाद। क्या मायने हैं इस गिरावट के, किस तरह से रखनी है आज के ट्रेड के लिए आपको नजर, कौन से स्टॉक्स में आपको बढ़िया एक्शन दिखेगा, आइए आपको बताते हैं आने वाले आधे घंटे में। हमारी पूरी टीम है तैयार सारी खबरें और इम्पैक्ट लेकर। सबसे पहले तो एक बार नजर डाल देते हैं, एक तो रशिया यूक्रेन के युद्ध से क्या बातें चल रही हैं, और साथ ही आज ग्लोबल मार्केट्स का कैसा मूड माहौल बना हुआ है। कुशल गुप्ता है मेरे साथ तैयार। कुशल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताएं, कल चौथे राउंड की बातचीत भी हुई, कुछ निकल कर आया, क्या है अपडेट्स? कुछ नहीं निकल कर आ रहा है दीपांशु, लगातार हम देख रहे हैं कि जो राउंड्स पे राउंड्स ऑफ टॉक्स है वो होते हुए दिख रहे हैं, पर उससे कुछ ठोस जो है वो निकल कर नहीं आ रहा है। तो इस पर आज भी जो है यहाँ पर चर्चा होती हुई दिखेगी दोनों देशों के बीच। और आप देखिए, यूक्रेन की राष्ट्रपति जो है वो कल US की कांग्रेस को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे, तो वहां पर हमारा बड़ा फोकस बना रहेगा। साथ ही US और चीन के बीच रूस को लेकर करीबन आप देखिए लगभग 7 घंटे की चर्चा हुई थी, तो अब यह देखना होगा कि उसके बाद यहां पर आगे कैसे किस तरह से फैसले लिए जाते हैं। पर कहीं ना कहीं EU ने रूस पर प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं, तो यहां पर एक अपडेट जो है लगातार हम देख ही रहे हैं कि जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो रूस पर अपने प्रतिबंध या सैंक्शंस आप कह सकते हैं वो करते हुए दिख रहे हैं, और इस बार ही EU ने यहां पर यह चीज कर दी है जिसमें कई नागरिक रूसी कंपनीज और साथ ही जो कमोडिटी ट्रेड और लग्जरी गुड्स है उस पर प्रतिबंध बढ़ाए गए हैं। तो ये एक अपडेट है आपको रूस और यूक्रेन को लेकर। बिल्कुल, तो फ्रेश सैंक्शंस यूरोपियन यूनियन की तरफ से आए हैं, चीन से US बात कर रहा है इस मसले पर, एंड ऑफ कोर्स आज भी बातचीत जारी रहेगी रूस और यूक्रेन के बीच, तो वहां पर तो हमारी नजर है ही। ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल थोड़ा इस समय सुस्त दिख रहा है। कुशल, बताएं ग्लोबल मार्केट्स के क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, थोड़े सुस्ती के या फिर आप कह सकते हैं मिले जुला सा रुझान हमें देखने को मिला है, जिसमें सबसे पहले आप देखिए डाउ जोन्स करीब 450 अंकों की बढ़त कल के सत्र में एक टाइम पर बन गई थी, पर वो पूरी की पूरी बढ़त ही गवाता हुआ नजर आया था। कहीं ना कहीं जो ब्याज दरों पर फेड का फैसला आने वाला है 16 तारीख को, उसको लेकर थोड़े से निवेशक जो है चिंतित है। आप देखिए चार्ट स्ट्रक्चर वाइज भी ऊपरी स्तरों से भारी गिरावट जो है हमें यहाँ पर देखने को मिली, और S&P 500 भी ऑलमोस्ट 0.7% तक लुढ़कता हुआ दिखा। साथ ही अगर आप देखें तो जो ब्रॉडर इंडेक्स है रसल 2000 वहां पर भी 2% की गिरावट देखने को मिली, और इसकी एक बड़ी वजह यह भी बन रही थी कि जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड दीपांशु वो करीबन 2.1% के पार होती हुई दिखी, जो कि 20 महीनों की ऊंचाई पर है। तो यहां पर यह एक इंपॉर्टेंट अपडेट आता हुआ दिख रहा है। साथ ही आज से फेड की जो 2 दिवसीय बैठक है जिसकी मैं बात कर रहा था वो शुरू होती हुई दिखेगी, और बाजार का ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.25% बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये एस्टिमेट्स जो है बाजार लगाकर चल रहा है, तो ये देखना होगा कि यहाँ पर आगे जो है ये कितना रेट कट आता हुआ नजर आता है। पर दूसरी तरफ आप यूरोप के बाजारों पे भी देखें तो यहाँ पर भी 2% तक की तेजी हमें देखने को मिली थी। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखें तो यूरोपियन मार्केट्स में अच्छा प्रदर्शन हुआ, पर अमेरिकी बाजार बॉन्ड यील्ड और साथ ही जो ब्याज दर है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है, जो इन्वेस्टर्स की चिंता है वो थोड़ी सी हावी होती हुई नजर आई। एब्सोल्युटली, तो बढ़ती बॉन्ड यील्ड का थोड़ा आप देख रहे हैं इम्पैक्ट IT शेयर्स में कल पड़ा है, बट इसके अलावा बाकी सेक्टर्स में चीन में जो लॉकडाउन आ रहे हैं उससे चिंता बढ़ रही है। बट ऑफ कोर्स एक राहत हमारे लिए है कि चीन की मांग अगर कम होगी तो कच्चे तेल में भी थोड़ा कूल ऑफ होना चाहिए, जो आपकी स्क्रीन पर होते हुए दिख रहा है। शुक्रिया कुशल ये सारे अपडेट्स हमें बताने के लिए। इनफैक्ट इन अपडेट्स के साथ साथ एक और अच्छा फैक्टर जो कल हमने बाजार में होते हुए दिखा है वो है संस्थागत निवेशकों का एक्शन FIIs की तरफ से। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम रहे थे रोज लगभग 7,000-8,000 करोड़ के बीच के बिकवाली का आंकड़ा आ रहा था, कल हमने देखा है सिर्फ 177 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा आते हुए दिखाया। DIIs की तरफ से तो लगातार सहारा है ही, करीब 1100 करोड़ की DIIs ने कल खरीदारी करी है, और वायदा बाजार में भी हमने देखा इंडेक्स फ्यूचर्स में कल खरीदारी आपने होती हुई देखी, हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में अभी भी बिकवाली का ट्रेंड दिख रहा है। तो कैसे समझ रहे हैं संस्थागत निवेशकों का एक्शन और किस तरह से करनी है आपको आज के ट्रेड के लिए तैयारी, आइए बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी के साथ।
अनिल सर गुड मॉर्निंग। थोड़ा सुस्ती का माहौल जरूर एसजेएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, पर उसके सामने कच्चे तेल में सर हमने 8-9% की गिरावट देखी है। एक महीने के बाद संस्थागत निवेशकों एफआईआईज का बहुत ही कम सेलिंग का फिगर आते हुए दिखा है, तो कुछ तो संकेत हैं पॉजिटिव्स, बट बाजार इस समय थोड़ी सुस्ती के इंडिकेशन दे रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर आज जाके ट्रेड को आप? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए दो तरह के संकेत हैं हमारे लिए। एक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जो अमेरिका के बाजार से आते दिख रहे हैं मिले जुले हैं हल्के से नेगेटिव साइड पर, क्योंकि जो बड़ी अहम बैठक फेड की शुरू होने वाली आज से ब्याज दरों को लेकर और इस बार ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद भी है, उससे मेरे बाजार थोड़े सतर्क है और बॉन्ड यील्ड 2.14% पर पहुंचे तो थोड़ा ब्याज दरें बढ़ने का खतरा है, तो वो थोड़ा सा बाजार के अपसाइड को लिमिट करता है। लेकिन दो फैक्टर हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। पहला कच्चा तेल 102-103 डॉलर की रेंज में अब आपके लिए ब्रेंट क्रूड आ गया है, नाइमेक्स क्रूड तो 98-99 की रेंज में आ गया, तो जो तेजी से कच्चा तेल गिरा है वो हमारा बाजार का मूड माहौल ठीक करने के लिए अच्छा है। दूसरा एफआईएस की तरफ से बिकवाली का प्रेशर लगातार कम होता दिखा है और कल के सेशन में कैश मार्केट में सबसे छोटा आंकड़ा आता दिखा है मैच खोलने 200 करोड़ का। तीसरी बात जो है तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत हो रहे हैं, लगातार 5 दिन अच्छी मजबूती के साथ बंद होने के का संकेत दिया है और 16,800 के ऊपर बंद हुए। अब हो सकता है 5 दिन एक तरफा बढ़ने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए तो गलत नहीं है, और अगर एसजेएक्स निफ्टी आज थोड़ी कमजोरी के साथ शुरू आपके संकेत दे रहा है तो इसीलिए दे रहा है, जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि दाउ 400 पॉइंट ऊपर था फ्यूचर्स पर कल 3:30 बजे और सपाट बंद हुआ है। सो अगर नीचे के स्तरों पर शुरुआत होती है और थोड़े अच्छे लेवल्स पर आते हैं दीप बाजार, तो वहां पर खरीदारी का मौका बनेगा और खरीदारी के लिए आज परफेक्ट रेंज जो आपके लिए निकल कर आती है वो है 16,600-16,650। अगर उस रेंज के आसपास आए तो मौका पक्का खरीदारी के लिए बनेगा, उससे थोड़ा सा पहले 16,700-16,750 के एक हल्का फुल्का सपोर्ट है, वहाँ शुरुआत करेंगे और फिर देखते हैं क्या कुछ प्रॉफिट बुकिंग वहाँ से आती है। अगर इस रेंज में मिले तो एक चार खरीदारी का जरूर लेना चाहिए। अब आइए ऊपर की तरफ 16,875 के आसपास हम बंद हुए, एकदम उसी मेक और ब्रेक लेवल पर, इसको पार करके ऊपर टिके तो 16,975-17,075 आपका ऊपर का लेवल होगा जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 35,000 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग कल मिलती हुई दिखी है, ऐसे में सपोर्ट रेंज थोड़ा सा दूर जरूर है लेकिन 34,425-35,625 बैंक निफ्टी पर ये 200 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 35,750-35,975 ये वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में आप प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख सकते हैं। तो ओवरऑल बायो एंड डिप्स का मार्केट रखें, आज कमजोर शुरुआत होने के बाद अच्छे लेवल पर आने दें और वहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं आप जी। बिल्कुल सर, तो चलिए अच्छी बात है जैसा अनिल जी समझा रहे हैं, बायोन टिप्स का डिप्स का रुझान रखिए, 5 दिनों से बाजार तेजी में है तो आज अगर आपको ओपनिंग पर डिप मिलता है तो अट्रैक्टिव लेवल्स पर आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी स्ट्रैटेजी समझाने के लिए। आइए एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ हम मुड़ते हैं और यहां पर जी बिजनेस की मुहिम भी रही है, सोशल मीडिया पर स्टॉक टिप्स को लेकर सेबी सख्ती बढ़ा सकता है। जानते हैं इसके बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे सहयोगी तरुण शर्मा के साथ। तरुण गुड मॉर्निंग, बताएं क्या खबर लेकर आए आप? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से सेबी ने हाल में दो बड़े एक्शन लिए उसको सरकार का भी समर्थन मिल रहा है। सरकार की भी नजर है यूट्यूब पे या जो सोशल मीडिया पे जो पंप एंड डंप का जो कल्चर आजकल बन गया है कि पहले आप शेयर खरीद लीजिए उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स को बताइए, जब वो शेयर्स खरीदेंगे तो जिन्होंने पहले खरीदे हैं वो बेचने को आ जाएंगे, तो इस कल्चर को रोकने के लिए और साथ ही जो यूट्यूब चैनल्स पे अपने या सोशल मीडिया पे जो एक फेक एडवाइजर्स हैं जो एडवाइस देने आते हैं जिनका जो बिना रजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं सेबी के, उस पर सरकार अब सख्त होती हुई दिखाई दे रही है। सरकार ने का सेबी के साथ एक कंसल्टेशन चल रहा है कि इस पे और कैसे सख्ती बढ़ाई जा सकती है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स की रेगुलेशंस तो है लेकिन उस रेगुलेशंस को और कैसे सख्त किया जा सकता है जिससे यूट्यूब पे जो लोग फेक एडवाइस दे रहे हैं या रिटेल इन्वेस्टर्स को जिससे नुकसान हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है, तो इस पे कंसल्टेशन पेपर भी आ सकता है और क्योंकि सरकार और सेबी दोनों मिलके इस पे काम कर रहे हैं तो उसको और सख्ती बढ़ाने के लिए कंसल्टेशन पेपर लाने पर भी विचार किया जा रहा है। और साथ ही जो आप कहें कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो यूट्यूब को रेगुलेट करती हैं उनको भी कहा जा रहा है कि इन चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है, कैसे सख्त किया जा सकता है, तो जो हमारी
पूरी मुहिम थी मार्केट माफिया, और या कहें कि जो सेबी ने जो बड़े एक्शन लिए उस पर सरकार का सपोर्ट मिल रहा है और सरकार अब इन सभी पे सख्ती बढ़ाने का प्लान कर रही है। एब्सोल्युटली, तो सरकार की तरफ से सख्ती बढ़ती हुई दिख रही है और हमारी मुहिम का भी आप इम्पैक्ट यहाँ पर देख रहे हैं और एक्शन सेबी की तरफ से आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करें। शुक्रिया तरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खबर देने के लिए। जल्द आ सकता है कंसल्टेंशन पेपर इस मुद्दे पर। आज के ट्रेड में कई सारे स्टॉक्स पर हम एक्शन देखने वाले हैं। आई कुछ अहम खबरें जानते हैं अरमान के साथ। अरमान, गुड मॉर्निंग, क्या है आज की बड़ी खबर? गुड मॉर्निंग दीपांशु, आज ट्रिगर्स में है वो कार्ड जिसमें आज राइट इश्यू खुलेगा और आपको बता दूं मैं ये कि 10 शेयर्स पे 3 शेयर्स दिए जाएंगे राइट इश्यू के जरिए और ये राइट इश्यू का भाव 225 पर शेयर होगा। आज हमारे देश का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डेटा आएगा और यूएस में आज ब्याज दरों पर फेड की 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी। 2 कंपनियों में एक्सडेट है जिसमें ब्राइटकॉम ग्रुप है जिसमें बोनस इश्यू है 2:3 का और राजरतन ग्लोबल वायर है जिसमें स्टॉक स्प्लिट है 10 रुपीज़ to 2 रुपीज़ का। खबर में पेटीएम है, जैसे आपको पता होगा कल पेटीएम की डेटा लीक की आरोप पर कंपनी का बयान आया है। पेटीएम ने अपने ट्वीट के जरिए ये बताया है कि चाइनीज कंपनियों को डेटा लीक की खबरें सच नहीं है, किसी विदेशी कंपनी के पास डेटा का कोई एक्सेस नहीं है और किसी संस्था ने डेटा शेयरिंग या डेटा के एक्सेस के मुद्दे पर चिंता नहीं जताई है। स्ट्राइड्स फार्मा फाउंडर्स के रिवाइज शेयर खरीद प्लान को मंजूरी मिल चुकी है। पहले वो 40 लाख शेयर्स वो 40 लाख वारंट्स के बदले अब 20 लाख वारंट्स ही खरीदेंगे। आपको बता दूं मैं कि ये जो वारंट्स है वो 442 के भाव पर 20 लाख वारंट्स खरीदेंगे प्रमोटर्स और इस वारंट कन्वर्जन के बाद 1.36% से बढ़कर प्रमोटर की हिस्सेदारी 3.51% हो जाएगी। परसिस्टेंट सिस्टम जिसमें मीडिया एजिलिटी के कुछ यूनिट्स को खरीदेगी और ये $7.1 करोड़ पर ये डील पूरी होगी और अनुमान है कि ये 6 से 8 हफ्तों में डील क्लोजर हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी परिवास एएमसी ने बड़ौदा एएमसी के साथ विलय कर लिया है और विलय से बड़ौदा पीएनबी म्यूचुअल फंड अब बनेगा और ये जो जेवी है उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की 50.1% हिस्सेदारी होगी और पीएनबी परिवास की 49.9% हिस्सेदारी होगी। पीवीआर कंपनी ने सिनेपोलिस मर्जर की रिपोर्ट पर सफाई जारी करी है। कंपनी ने कहा है कि वो स्पेकुलेटिव खबरों पर कमेंट नहीं करते हैं और कंपनी के साथ में यह भी कहा है कि वो लगातार ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी को इवेल्युएट करते रहते हैं। रिट्स लिमिटेड 7.5 प्रति शेयर तीसरे इंटरम डिविडेंड को बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है और 25 मार्च को कंपनी इसका भुगतान करेगी। वीगार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोटक म्यूचुअल फंड ने 10 मार्च को ओपन मार्केट में 0.03% हिस्सेदारी खरीदी है। थर्मेक्स लिमिटेड कोटक म्यूचुअल फंड ने 10 मार्च को ओपन मार्केट के जरिए 0.013% हिस्सेदारी खरीदी है। एक बल्ड डील है जिसमें पैसालो डिजिटल है जिसमें इक्विबिलेटेड वेंचर्स फ्लो ने 0.63% हिस्सेदारी 14 मार्च को ओपन मार्केट के जरिए खरीदी है। ओके, तो ये है आपके लिए कई सारी खबरें जहां पर आपको रखनी है नजर। एंड ऑफकोर्स खबरों की बात करें तो जो पेटीएम की तरफ से सफाई आई है डेटा लीक मामले पर, उस पर आज कंपनी के फाउंडर विजय शेखर शर्मा हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो अब एमडी एंड सीईओ ऑफकोर्स हैं पेटीएम के, वो हमारे साथ बात करेंगे सुबह 10:15 अनिल सिंघवी के साथ न्यूज़ पर व्यू सेगमेंट में, तो इसे आप मिस नहीं करिएगा। यहां पर अहम जानकारी जानेंगे इसी मुद्दे पर विजय शेखर शर्मा के साथ। आइए अब जान लेते हैं आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स जहां पर आपको बढ़िया मौके मिल सकते हैं ट्रेड के लिए। चॉइस ब्रोकिंग की राय है निप्पॉन लाइफ, कल भी आपको बढ़िया एक्शन में स्टॉक दिखा था, आज खरीदारी करके चले। 308 का होगा स्टॉप लॉस, 350 रुपए का आपको लगाना है टारगेट। एचसीएल टेक भी सेंट्रम को पसंद आ रहा है, यहां पर आप खरीदारी करके चलिए, ये भी स्टॉक मोमेंटम में रहा है। 1185 का होगा स्टॉप लॉस और टारगेट रखना है 1230 का। साथ ही बाटा पर भी रखिए नजर, कल भी एक्शन दिखा रहा था। 1810 का है स्टॉप लॉस और 900 रुपए का आपका होना चाहिए इस पर टारगेट। 100 पॉइंट नीचे एसजीएक्स निफ्टी 16800 के नीचे आपको ट्रेड फिलहाल करते हुए दिख रहा है। कुछ बड़ी रिकवरी के संकेत यहां पर नहीं आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर हल्की बढ़त है, कल 450 अंक की बढ़त गवाकर एकदम सपाट बंद हुआ था। एशिया के बाजारों में मिला जुला कारोबार आपको होते हुए दिख रहा है। तो ग्लोबल क्यूज थोड़े सुस्त है, कच्चे तेल में भारी गिरावट है, ये एक राहत का संकेत जरूर है हमारे लिए। पर आइए कुछ और ट्रेडिंग के मौके आपको बता दें और फिर कमोडिटी बाजार पर रखते हैं नजर। आशीष केलकर साहब को आज के लिए पीवीआर पसंद आ रहा है, अगेन रीओपनिंग ट्रेड है और हम देख रहे हैं कि सिनेमा घरों में वापस ऑडियंस लौटती हुई दिख रही है। पीवीआर पर करें खरीदारी, 1750 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस लगाना है आपको 1715 का और 1765 तक भी जा सकते हैं। तो 1750-1765 के टारगेट के लिए इस पर करें आप खरीदारी। पर कमोडिटी बाजार पर रखते हैं नजर, स्पेशली जो कच्चे तेल में एक्शन हो रहा है। आइए समझते हैं आज का एक्शन अजय केडिया के साथ, जो केडिया कमोडिटीज के हैं। अजय गुड मॉर्निंग, सबसे पहले तो कच्चे तेल से ही करते हैं शुरुआत, जो भारी गिरावट कल शाम को देखी, आज सुबह भी कमजोरी दिख रही है, क्या राय है आपकी कच्चे तेल पर? गुड मॉर्निंग दीपांजी,
देखिए कच्चे तेल की बात करें तो नो डाउट हमने कल भी गिरावट आते हुए देखी और आज भी थोड़ा बहुत मार्केट में डाउनसाइड जरूर दिख रहा है, बट थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा बिकॉज अब बातें हो रही है कि जो सैंक्शन वेनेजुएला पे लगा हुआ है उसको लिफ्ट किया जा सकता है, बट हमने देखा इस चीज से सऊदी खुश नहीं है। और दो पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जब यूएस ने सऊदी को कनेक्ट करने की कोशिश भी की थी तो वहां पे हमने देखा था कि कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हुई है। टाइमिंग जब तक सप्लाई नहीं आता है नो डाउट प्राइजेस के अंदर थोड़ा बहुत सपोर्ट ही रहेगा। साथ में चाइना में जो नया आउटब्रेक हुआ है इसकी वजह से भी थोड़ा सा कच्चे तेल पे दबाव बना है, बट अभी भी अगर हम देखें तो ब्रेंट 100 के ऊपर है। मे बी ये रिट्रेसमेंट थोड़ा बहुत 98-99 तक दिखा दे बट ज्यादा डाउनसाइड मुझे नहीं लगता है। उसी को देखते हुए आज के सेशन में हम M6 पे बेच सकते हैं 8150 के स्टॉप लॉस लगा के। टाइम भी मुझे लगता है 7800 से 7650 रहेगा, बट ओवरऑल सप्लाई गल्ट जो है वो अगले 2-3 महीने तक कंटिन्यू रहेगा। तो ये है आपके लिए फिलहाल कच्चे तेल पर राय, आज गिरावट और इसमें भारतीय बाजारों में बनती हुई दिख सकती है। सोने पर क्या करना है फेड पॉलिसी से पहले हम देख रहे हैं सोने पर भी दबाव आ रहा है, क्या राय है आपकी? मुझे लगता है कि जी ढंग से गोल्ड में जो गिरावट है वो टाइमिंग एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा सीनरी, क्योंकि अभी भी जो पीस राउंड है वो कंटिन्यू चल रही है बट कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, तो अभी भी गोल्ड में है। सेकेंडली अगर ये पीस स्टॉक खत्म भी लड़ाई खत्म भी हो जाती तो उसका इफेक्ट जो इकोनॉमी पे रहेगा वो थोड़ा लंबा रहेगा। तो टाइमिंग हमें लगता है कि 1950 का जो रेंज है वो ऑलमोस्ट तोड़ चुका है, तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा फेड की मीट से पहले, कि फेड में भी इंटरेस्ट रेट पे जो चेंजेस आना है वो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर गया है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत पुल बैक है मार्केट में बट रूपी वीकनेस कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट करेगा, उसको देखते हुए बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलना चाहिए सोने और चांदी में। जहां गोल्ड में 52100 के करीब लेके चलिए, 52550 का टारगेट रहेगा। चांदी में भी मुझे लगता है 68500 एक अच्छा लेवल है, यहाँ पे बाइंग करके चलिए वापस पाइए इवनिंग सेशन में जम देखने मिल जाएगा। ओके, तो यह है आपके लिए गोल्ड और सिल्वर पर भी राय, यहाँ पर भी गिरावट के संकेत आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिल्वर की हम बात कर रहे हैं और गोल्ड पर भी अजय ने बिकवाली की राय दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय बताने के लिए। चलिए पावर ब्रेकफास्ट में बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पर कहीं नहीं जाएगा क्योंकि 2 मिनट बाद आ रहा है ट्रेडर्स डायरी, दमदार ट्रेडिंग और निवेश के मौके आपको बताने वाले हैं वरुण और कुशल।